अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान रेलवेज़ के एम्प्लॉज़ आज अपनी सर्विस को मुकम्मल कर रहे हैं और आज एक छोटा सा प्रोग्राम कैंट स्टेशन पर रखा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची डिग रोड रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से थोड़ी देर के बाद कराकरम एक्सप्रेस ट्रेन आएगी, हम उस पर बैठ कर यहाँ से कैंट स्टेशन जाएंगे और पूरा वो प्रोग्राम आज कवर करेंगे। तो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में वही हम शेयर करेंगे। फ्रेट कॉरिडोर पाकिस्तान रेलवेज़ की माल बरदार गाड़ियाँ यानी फ्रेट ट्रेन अपलाइन ट्रैक से GU409028TR34 कोचिस को लेकर रवाना हो रही थी। सोचा क्यों ना फ्रेट ट्रेन को भी कवर कर लिया जाए। फ्रेट ट्रेन के गुजरने के बाद सामने से डाउन ट्रैक पर मेहरान एक्सप्रेस 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस HGMU30R8217PR 6-7 कोचिस के साथ डिग रोड स्टेशन से कैंट स्टेशन के लिए रवाना। अट्ठारह डाउन मिल्लत एक्सप्रेस ZCUP30-6352PR 21 कोचिस के साथ, जिसमें 2 बिजनेस क्लास, 1 AC डाइनिंग कार, 1 पावर वैन और लगेज के साथ। मिल्लत एक्सप्रेस का सफ़र लाला मूसा जंक्शन से शुरू होता है और कराची कैंट पर इसका अख्तिताम होता है। 34 स्टेशन इसके आते हैं, लेकिन हमारा इंतज़ार कराकरम एक्सप्रेस का था। मिल्लत एक्सप्रेस के आने के बाद पता चला कि कराकरम 2 घंटे ट्रेन लेट है। मज़ीद 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद सामने से कराकरम एक्सप्रेस 42 डाउन नज़र आ गई, जिसको GU409025PR कोचिस को लेकर स्टेशन तक पहुंच गई। कराकरम एक्सप्रेस पर चलते हैं, कैंट स्टेशन पर पहुंचेंगे और वहां छोटा सा प्रोग्राम पाकिस्तान रेलवेज का कवर करेंगे। चलें। बिजनेस क्लास न्यू कोच पर हम सफ़र कर रहे हैं चलकर। जिनकी रिटायरमेंट है उनसे हम जानते हैं उनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आप अपना नाम बता दें। अजीज खान यूसुफी, कंडक्टर गार्ड पाकिस्तान रेलवे कराची। ठीक है, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान रेलवे के साथ इस वक्त कितना टाइम हो चुका है? तकरीबन 38 ईयर्स। 38 ईयर। किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं? पहले तो मैं ग्रेड 1 में गार्ड अपॉइंट हुआ था जी, कुछ ट्रेन चलाई, उसके बाद वो पीरियड मुकम्मल करने के बाद पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, इंचार्ज गार्ड, ठीक है, झंडी दिखाता है ड्राइवर जी जी, और फिर उसके बाद कंडक्टर। इसके अलावा आपकी सर्विस में किसी किस्म की कोई परेशानी या पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से कोई ऐसी बात या पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ आज तक का जो आपका सफ़र है उसके बारे में बताइएगा?
बस गर्मियों में थोड़ा ये होता है कि एसी थोड़े परेशान करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए एसीयों में जरा थोड़ा सा ये कि एसी की जो कूलिंग है थोड़ी कम रहती है बस, उसके अलावा तो बाकी। पाकिस्तान रेलवेज की जो कोच है इसको चाइनीज के तर्ज पे बिजनेस क्लास को बनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, चाइनीज का मुकाबला तो नहीं है पाकिस्तान का जी जी, मतलब चाइना की तरह थोड़ा कंफर्टेबल है और ये भी कंफर्टेबल है लेकिन इतनी ही जितनी वो चाइना वाली। आपने अपनी सर्विस कराक्रम में ही शुरू करी और कराक्रम में ही एंड कर रहे हैं या और भी इसके अलावा ट्रेन और गाड़ी भर के लिंक होता है, रोस्टर होता है, आज ये गाड़ी कल ये। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ियों में आप सफर करते हैं? गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ट्रेन जब कैन स्टेशन पहुंची तो काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया, जिसमें बैंड बाजा, फूलों की पत्तियां और पैसे भी लुटाए गए। कैंड स्टेशन वेटिंग रूम में मुकम्मल प्रोग्राम रखा गया, जहां पर सर्विस की मुकम्मल करने की खुशी में छोटा सा यादगार प्रोग्राम और इसके साथ तोहफे भी दिए गए। आज अपनी सर्विस से मुदत पूरी करके यहां से रिटायर हो रहे हैं, उसके अनर में यहाँ जो भी दोस्त आए हुए हैं, मेरे सब सीनियर दोस्तान, मेरे रिटायर्ड गार्ड साहबान, मेरे पार्सल से दोस्त, मेरे बुकिंग से दोस्त, मेरे बाहर से आए हुए, लाहौर से स्पेशली आए हुए और स्पेशली आज पाकिस्तान जहाँ जहाँ से जो भी दोस्त आए हुए हैं, उनको दिल की गहराई से वेलकम करते हैं और कराची डिवीजन, कराची गार्ड एसोसिएशन अपने दोस्तों को यह इंशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रिब्यूट पेश करने जा रही है और ये एक रिवायत है जिस रिवायत को मेरे ख्याल में आप तो सारे पाकिस्तान में हर कैटेगरी के दोस्त इस रवायत को बरकरार रख रहे हैं और स्पेशली कराची डिवीजन के गार्ड साहब अपने दोस्तों को कराची ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज इतना बड़ा ये महफिल ये हमने अरेंज किया है, तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने बड़े मतलब के दूर दूर से सफर करके हमें गार्ड स्टेशन कराची को भी आनंद बख्शा और स्पेशली हमारे रिटायर्ड गार्ड साहब को आपने आनंद बख्शा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मेहरबान। वेट करेंगे इधर कराची कैन स्टेशन पर मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मुकम्मल तकरीबात में आज पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को लाजमी पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।